सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। भाई, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र। भाई, इन्होंने संकल्प किया है कि हम 7 वादे पक्के इरादे। देखो भाई, हर पार्टी अपना वादा करेगी और वादा कौन क्या निभाता है इससे भलीभांति भाई आज की जनरेशन और हरियाणा का युवा जानता भी है। तो युवाओं को क्या मिला भाई, रोजगार या बेरोजगार? क्योंकि हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा यही है। क्योंकि भाई हम युवाओं की बात करते हैं, कुछ साथी भाई नीचे मैसेज भी कर देता है एक दो कि आप तो विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हो। भाई, मुझे विशेष पार्टी को सपोर्ट करने से स्पेशल मिलेगा क्या? भाई, मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं किसी पार्टी की बात करूँगा तो वो पार्टी वाला मेरे को कुछ देगा। क्योंकि सच्चाई भाई आप सभी को पता है, कितने लोग देखते हैं मेरे से तो भाई और ठीक है ना, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है यार। तो मेरा काम है सिर्फ आपकी चर्चा करना, ठीक है ना। इसमें जो मुख्य विपक्षी दल है या जो सत्ता पक्ष है, जो आपके लिए जो कुछ भी बताता है या जो कुछ चीज़ें आपके लिए आती हैं वो चीज़ें हम शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, उस पर भाई अमल करना या उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो आपकी पर्सनली राय होती है, और आपकी राय ही सत्ता बनाएगी, आपकी राय ही सत्ता बिगाड़ेगी भाई। तो आपके जो विचार हैं थोड़ा भाई, ठीक है ना, मेरा कुछ नहीं जाता क्योंकि मेरा काम है, मैं वो करता रहूँगा। तो दोस्तों, इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष जो भी है भाई, पार्टी पार्टियाँ अपना दावा ठोकेंगी, अपना वादा करेंगी, लेकिन इसमें असल में जनता को ही, ठीक है ना, फायदा होगा या नुकसान होगा, जनता को अपनी मेहनत की खानी है, ठीक है ना भाई। पढ़ के आपको नौकरी लगना, बिना पढ़े तो कोई पार्टी आपको नौकरी नहीं देगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ गए होगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो कोई भी पार्टी आओ, आम जनता के हिस्से तो संघर्ष ही आया है, ठीक है ना भाई। आम जनता तो अपना मेहनत करके ही खाएगी, ये अपना भाई एसी रूमों में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आज कहीं सोचो कि आप विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये विशेष पार्टी भाई, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन पार्टी जो आपके लिए कर रही है काम या जो पार्टी आपके लिए दावा ठोकती है उसको निभाया किस तरीके से जा रहा है, वो सबसे मेन मुद्दा रहता है। और उस मुद्दे को हम दिखाते भी हैं। सिटी क्वालिफाई की भाई जो चर्चा थी, ठीक है ना, पीछे वीडियो देख लेना, सरुदिन से 3 साल 3.5 साल से आपकी बात करते रहे, न इसमें हमें बीजेपी की बात की, नहीं कांग्रेस की बात की भाई। क्योंकि आप लोग सरकार बनाने वाले हो, आप लोग गिराने वाले हो, ठीक है ना भाई। हमारे एक वोट से तो सरकार बनेगी नहीं, ठीक है ना, और न ही मेरा कोई पर्सनली इन भर्तियों से कोई जुड़ाव है भाई, ठीक है ना। अगर आपको ठीक लगे तो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, हमारा काम है आपको जानकारी देना, ठीक है भाई। अगर आपको लग रहा है कि सर आप हमारी बातें करते हो, जब तक 24,000-25,000 की ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक आपकी भाई सुचारू रूप से भर्तियाँ नहीं होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे भी ऐसे मिलती रहेगी जैसे पीछे हम देते आए, तो वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना भाई। पार्टियाँ होती हैं जो सारी अपने अपने वादे ठोकती हैं, अपने अपने दावे करती हैं, लेकिन निभाता कौन क्या है सब भली भांति जानती हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट है भाई हमारे लिए, युवाओं को इसमें क्या मिला है, रोजगार मिला या बेरोजगार होंगे? तो दोस्तों बात करते हैं हरियाणा का युवा रोजगार जो मांग रहा है भाई। 25,000 जो एक मैनिफेस्टो में बात कर रहे थे कि डलवानी है, तो भाई मैनिफेस्टो में तो नहीं डली, इन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि 2,00,000 पक्की भर्तियाँ करेंगे, भर्ती विधान के तहत होगी, यानी नियमों के तहत होगी, युवाओं का भविष्य सुरक्षित। अब आप बड़े बड़े बैनर देखोगे तो इन बैनरों के प्रलोभन में मत आइएगा। आप अपने विवेक धैर्य से किसकी सरकार बनानी है, किसकी गिरानी है, आप पे डिपेंड है भाई। आप अपने विचार भी साझा कर दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वीडियो के नीचे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 2,00,000 पदों में भर्ती कह रहे हैं, इसमें भाई आपकी 25,000-24,000 ज्वाइनिंग भी इसी के अंदर है। वो अब आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं या आपकी जो राय है या जो आप अपना मुद्दा है भाई उसको कैसे लेके चलते हैं, तो वो तो भाई आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक ये जो मामला था भाई, इसमें गोलमाल ही मिला है, जो 25,000 ज्वाइनिंग की बात है, ठीक है ना, गोलमाल है सब। क्योंकि इन्होंने नए सिरे से या जो भी है भाई 2,00,000 पक्की भर्तियाँ करेंगे,
पीछे वाला जो मामला है वो क्लियर कट नहीं किया, बिल्कुल क्लियर नहीं किया, सब गोलमाल कर दिया है, ठीक है ना। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है भाई, और वादे भी किए हैं सामान्य जनता के लिए। आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा को बल भाई, 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 6,000 दिव्यांग पेंशन, 6,000 विधवा पेंशन ओपीसी के बहाल के तहत। भाई देख लो जो मामला आपका, जो नशा मुक्त हरियाणा, खुशहाली भाई 300 यूनिट की फ्री बिजली, 25 लाख का मुफ्त इलाज, गरीबों को छत, 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान, किसानों को समृद्धि भाई, जो आपका क्या है एमएसपी भाई, क्या है एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा, पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर सीमा रुपए भाई 10 लाख रुपए, ठीक है। ये जो इनके वादे हैं भाई, 7 वादे इन्होंने किए हैं। अब भाई आपने देखना है, ठीक है ना, इन वादों में कितना दम है। दोस्तों मेरा काम था आपकी चर्चा करना, और दोस्तों युवाओं को क्या मिलता आखिर में, युवाओं के लिए कौन सरकार रोजगार देती है, किस कौन सी सरकार बेरोजगार करती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और भाई आप अपने विवेक धैर्य से, मैं तो यही कहूँगा, मत का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, किसी के पक्ष में कीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि मत सभी ने देना है, 5 साल में पर्व आता है। अगर आपने अब भी गलती कर दी तो दोस्तों 5 साल आपके लिए, फिर आपने अपने 5 साल भुगतने पड़ेंगे, फिर उम्र भी निकल जाती है। तो दोस्तों ये जानकारी रहेगी आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।